हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू बैक माय यूट्यूब चैनल प्रिय दोस्तों। फ्रेंड, आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों को इस नदी में पानी आया है। नेपाल में बहुत ज़्यादा बारिश हुआ था तो नेपाल ने पानी छोड़ दिया, तो ये बिहार का गंडक नदी है और इसमें काफ़ी ज़्यादा पानी आया है। अभी तक 4 लाख क्यूसेन आया है। अभी मैं आप लोगों को दिखाऊंगा कि कहाँ से कहाँ तक और पूरा पानी पानी हो चुका है। तो आप लोग इस वीडियो में अंत तक बने रहे, मैं आप लोगों को पूरा दिखाने वाला हूँ। तो चलिए आप लोगों को ले चलता हूँ और पूरा दिखाने की कोशिश करता हूँ। और सबसे पहले आपसे एक छोटा सा रिक्वेस्ट है कि यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके साथ में बेल आइकन को प्रेस कर दें। तो चलिए आगे ले चलता हूँ आप लोगों को। हमारे पीछे आप लोग देख सकते हैं कि जहाँ तक आप लोगों का नजर जाएगा वहाँ तक पूरा पानी ही पानी है। अभी यहाँ पे थोड़ा सा दिख रहा है, ये गन्ने की फसल है और यहाँ पे धान की भी फसल हुई थी, सब डूब गया है पानी के आने की वजह से। और भी बहुत दूर दूर पे देख लीजिए, पूरा पानी ही पानी दिख रहा है और भी पानी आ रहा है। पता ना ये बांध जो है, ये बांध को भी तोड़ सकता है ये पानी। पहले जब पानी आता था तो हाई अलर्ट नहीं होता था यहाँ पे, और अब की बार जो पानी आ रहा है इसको लेकर हाई अलर्ट है। रात को अलाउंस भी किया गया था कि जो भी नदी के पास रहने वाले हैं वो सब कोई कहीं ऊंचे स्थान पर चले जाएं। अब ये जो भी बोरा आप लोगों को दिख रहा है इसमें सब में मिट्टी रखा गया है, और मिट्टी इसलिए रखा गया है और इसको भर कर इसलिए रखा गया है कि कहीं पर बांध टूटेगा तो इसको रखा जाएगा और पानी को रोक दिया जाएगा। और यहाँ पे आप लोगों को मैं दिखाना चाहूँगा कि यहाँ पे लाइट का भी व्यवस्था किया गया है ताकि रात में पूरा दिखे। यहाँ पे देखिए बॉल भी लगाया गया है। पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल पर नया तो चैनल को सब्सक्राइब करके साथ में बेल आइकन भी प्रेस कर सकते हैं। हम इस वीडियो में यहीं तक दिखाए हैं, आगे भी आप लोगों को दिखाऊंगा और भी पानी आएगा। तो चलिए मिलते हैं फिर किसी दूसरे वीडियो में, तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।